क्यों करा जाता है पूर्णिमा का व्रत? पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है बताइए? आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत। एक समय फलाहार करती है, एक समय भोजन करती है। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो मना नहीं है, और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है चैत्री, चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है चैत्री पूर्णिमा, पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते, सिद्ध करने वाली मनोरथी पूर्णिमा कहते, मनोरथी पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी, तो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह, पर भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत, किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेदव्यास जी महाराज ने, कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है, मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का, कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां, हमारे हिंदू धर्म में यहां तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पूर्णिमा, आप लोगों का कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी, तो उसमें लिखा है हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था।